हेलो एवरीवन, सारे भैया ने राम राम। अब प्रणाम नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं दिल्ली में आ गया हूँ। मैं अपने घर पे आया हूँ, तो फिलहाल मैं अपना घर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर चल के आपसे बातें करूँगा। तो चलते हैं ऊपर। तो ये भाई, ये तो हमारा बेसमेंट है, ये हमारा टेडी बियर है। चलो आ जाओ। तो बेसमेंट में बहुत मज़े करता था। खैर, अब तो 2-3 साल से मैं घर से बाहर हूँ, तो कुछ लोगों को तो गलत फहमी है, ये हमारा पुराना घर था जो कि अभी फ़िलहाल टूट टाट के ऐसा हो, मतलब इसको कुछ सोचा है करने के लिए, कुछ हो तो रहा नहीं है। चलो देख लो, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट। हंसी आ रही है, ब्लॉग बना रहा था। हाँ सर, ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो हंसने दे। ये थर्ड फ्लोर। क्या हो रहा है भाई? टैटू है? तो टैटू खेलता रही हो? टैटू है। छोड़ दे, नहीं जान दे बल्ली। वीरे, क्या आसमान क्या की ऊंचाई हूँ मैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है लग भाई। रही है, लग रही है। पांडे जी का तो घर दिखाई नहीं दे रहा भाई। है यार, आज फॉग है, टेम्परेचर 11 है भाई लाओ साहब। तो लाओ। अभी इतना कोहरा नहीं था, इतना जब अब हो गया है। छत है भाई, सब कुछ 2 साल के अंदर टूट फूट गया है। ये यहाँ से दिखाई नहीं देगा, बहुत अजीब अजीब है भाई। यहाँ से दिखाई देगा, दिखाई दे दिया। खैर, वो एक तो हो गया, अब बेकार हो गया। अब बैठते हैं, बात करते हैं। मेरा मैदर ब्लॉग बनाता साला। तो भाई, जैसा छत वत दिखा दी मैंने, ये पुराना घर है, मतलब ये घर है मेरा, ठीक है? वो पुराना घर था, तो जैसा ये, मैं 3 साल पिछले 3 साल से नहीं हूँ अपने घर पे, मैं बिहार में था। तो बिहार में मेरे साथ क्या क्या कॉन्सिडेंस हुआ, ये तो मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, मैंने इतना डिटेल में बताया नहीं है। बताऊंगा, किसी को पूछना हो या मैं खुद ही बता दूंगा आप लोगों को। एक्सप्लेन मैं भी थोड़ी देर में करने वाला, मेरे दोस्त से मिलो, से हेलो। हेलो, झूठ बोल रहा, भाग गया था यहाँ से। नहीं फिर वापस वहां से भाग के आ गया ये। यार, एक्चुअली मतलब कुछ काम था, उस वजह से मुझे जाना पड़ा 3 साल में घर से बाहर। और मन तो लगता ही नहीं था, जो यहाँ पे मन लगता है वो और कहीं मत, यार लगता ही नहीं है मन। सही बात है, घर घर होता है। घर घर होता है। और कुछ ऐसी फैसिलिटीज थी, कहता है ना, रहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। तो फाइनली मैं अब घर पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे कुछ अब स्टार्टअप कुछ सेटअप है माइंड में, कि आदमी नौकरी करने से नौकरी बनता है। फिलहाल कुछ मुझे अपने आप, मतलब अपने आप को जो कंटिन्यू था मैं, उसको बनाने के लिए कुछ मुझे स्टेप्स लेने पड़ेगी। मेरा सोचना है कि इंसान जो सोचता है कि मुझे ऐसे बनना है यार, तो उस पर मेहनत करेगा और काम करेगा तो खुद बन सकता है। क्यों, क्या सही बात क्या है, सोचना है? तो लेकिन दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं करते तो कुछ करो। फिलहाल मैं एक वीडियोज बनाना चालू कर दो, क्योंकि ये चीज़ हमें बाद में महसूस होती है कि हम पे टाइम था। मुझे आज से 2000, मुझे 10वीं पता था कि यूट्यूब के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं। तो मैं इसको जो कहता था कि ये तो मुझे मतलब बता था कि ऐसे ऐसे, मतलब उसमें बात काफ़ी चीज़ है, कैमरा है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे, उस टाइम पे दुनिया दूसरी भी थी, क्लब्स थे, नाइट आउट था, वीकेंड थे, हॉलीडेज थे, हिल एरिया था अपना, जितना भी था हिल स्टेशन,
वो विजिट करनी थी। वो खैर वीडियो तो अब मेरे पास है नहीं, तो काफ़ी ज़िंदगी मैंने घूमने फिरने में बिता दी है। हो सकता है तो फोटो शेयर कर दूंगा मैं। तो रही बात ये, तो घर पे आ गया हूँ मैं। सामने जो दिखाया मैंने वो पुरानी बांस बल्ली जो झोपड़ी बना रखी थी, फिलहाल उस पे गिर गया था वो। ठीक ठाक करना है, मैं पहले गाय रखता था, सब काम कर लेता है तुम्हारा भाई। दूध वूध निकालना जो मतलब मेरे पे कैपेसिटी में, मैं समझ सब कर लेता हूँ। ठीक है, अब डिजिटल कहोगे, डिजिटल भी भैया वही है कि सीखने में हर चीज़ को टाइम लगता है, पर मैं कर लेता हूँ सब कुछ। अपना भाई भी कर लेता है सब कुछ। क्या करते हो आजकल? टाइम पास, टाइम पास चल रहा है भाई। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक बार एग्जाम दिया भी है। क्या एक्सपीरियंस है एग्जाम के बारे में? एग्जाम तो पता जैसे टफ होता है काफी ज्यादा, बट हाँ मेहनत जारी है। मतलब कुछ आने वाले सुझाव टाइम देना में चाहते हो आप? सुझाव के बस यही है, मेहनत पूरी करो, फोकस एक जगह पर रखो अपना, और जो भी हो हमारे हाथ में तो नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। ठीक है तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे बिहार में मैं मतलब कुछ चीज़ों को देखा मैंने, और मैं यहाँ पे, मेरे को, मैं यहाँ की चीज़ क्यों पसंद आई मुझे, मैं बताता हूँ। यहाँ की चीज़ मुझे इसलिए पसंद आई कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अपने नीचे दबा के रखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक नई दुनिया देखे और कुछ नया करे, और मतलब जिससे वो अपना आगे का सिस्टम बिल्कुल ठीक कर ले। लेकिन बिहार में रहने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वहाँ पे एक तो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात वहाँ पे बच्चों से ज़्यादा ज़मीन की कीमत है, वैल्यू ज़्यादा है सरकारी। खैर नौकरी, वही कहते हैं कि वहाँ पे एक डायलॉग है, पैसा तो या सरकारी में या तरकारी में। तरकारी मतलब सब्जी बेचने वाला, तो पैसा सिर्फ दो ही आदमी के पास है वहाँ पे, धंधा बिजनेस कोई है नहीं। दुकान जो मारवाड़ी होते हैं, राजस्थान के पुराने लोग सूरत से गए हुए हैं, जो बनिया आदमी है वो अपना बैठे हुए हैं, जो वहाँ के जो बेवकूफ़ आदमी है वो सिर्फ खेती करते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ फंसा के रखते हैं। हाँ ही मैं, एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि इनकम ऑफ सोर्स घर की है, बट उससे अलग भी कुछ है जिस मतलब जिस चीज़ को लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है। तो मेरे पर ज़बरदस्ती करके कभी, भाई साहब मैंने ज़िंदगी में सरकारी नौकरी का फार्म नहीं भरा, तो फार्म नहीं भरा तो मेरे से होमगार्ड का फॉर्म भरवा दिया ज़बरदस्ती। पहले इससे पहले भरवाया था उसका जो पोस्ट ऑफिस वाला, तो वो था मेरा मतलब 10th बेस पे था, परसेंटेज के ऊपर CBSE बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, तो हो गया था वो। तो होने के बाद भाई मेरा मन नहीं था नौकरी करने का, हकीकत बताऊँ मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, तो नौकरी वगैरह मेरे से हो नहीं पाएगी। हाँ ये है कि कुछ दिन अपने आप को मतलब एक सुचारू रूप से, कुछ मेरी जो व्यवस्था है अभी डिग्री पहुँचने के बाद यहाँ बिगड़ी पड़ी है, तो उसको ठीक करने के लिए तो कुछ दिन है, मैं फ़िलहाल कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह देखूँगा, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू जो अपना कुछ सोचा हुआ है मैंने उसके ऊपर काम करूंगा। कहना भी ठीक नहीं है कि, कहते हैं कभी कभी मन की बात मन में रह जाती है, तो कहने से पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करना नीचे। और भाई तो अभी फिलहाल यूट्यूब चैनल चला नहीं रहे हैं, तो इनको मैं कोशिश करूंगा कि एक ब्लॉग्स ये भी बनाने जल्दी लगे जल्दी। जल्दी। हाँ कि मैं दोस्त एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे ये जो है ना कुछ नहीं कर रहे, तो आपको ब्लॉग्स बनाने में कितना, 5 से 10 मिनट लगते हैं, एडिटिंग करने में अच्छा आधा घंटा बहुत हो गया। अगर नहीं आता आधा घंटा बहुत हो गया, अगर आता है तो आपके लिए एडिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट में एडिटिंग करके आप डाल दोगे। तो कुछ नहीं मतलब सिर्फ एक सुबह एक शाम वीडियो अपलोड कर दो आपको। एक्सपीरियंस लेंगे ना बाबू साहब, वो आ गए अब बिहार से, ठीक ठीक वो है, अच्छा आ अब गए। लेंगे तो मैं एक्सपीरियंस। ये कह रहा हूँ कि मतलब आगे भी मैं सुझाव देना हाँ चाहता बिल्कुल हूँ कि आपको ये रिजल्ट 5 से 6 महीने में आपको खुद मिल जाएगा देखने के लिए, कि आपको भी कोई इस दुनिया में देखने वाला है,
तो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।